वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी जेब्रा केक या फिर मार्बल केक। और ये हम बनाएंगे कढ़ाई में बिना अंडा का। ये केक दिखने में जितना अच्छा लगता है खाने में उतना ही अच्छा लगता है और बनाने में काफ़ी आसान होता है। बस थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं और हर बार आपकी ये केक बहुत ही आसानी से बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि मोटा कढ़ाई हो, लोहे का, एल्युमिनियम, हिंडोलियम, उस तरह की कढ़ाई हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हम उसमें डालेंगे नमक। ओवन में जैसे हम प्री हीट करते हैं वैसे ही इस कढ़ाई को भी हमें प्री हीट करना है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया, ऊपर से एक स्टैंड डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो कोई कटोरा भी पलट कर रख सकते हैं या कोई प्लेट आप रखते छोटा इसमें पलट कर। अब हम एक जार लेते हैं और उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी ली है। ये चीनी पिसी हुई नहीं है, अगर पिसी हुई चीनी रहेगी तो आप आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लें। इस एगलेस केक में मैं दूध का यूज़ करी हूँ, गाय का, जो रूम टेम्परेचर में है। हाफ कप मैंने लिया है। अब यहाँ पे 1/4 कप मैं ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल की जगह आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। अब इसमें जाएगा एसेंस। तो मैंने यहाँ पे एसेंस में चॉकलेट एसेंस लिया है। आप चॉकलेट एसेंस या वनीला एसेंस, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो 8 से 10 बूंद के करीब मैंने यहाँ पे चॉकलेट एसेंस का लिया है। अब जार के लीड को हम लगा देते हैं और इसे 1 से 2 मिनट तक हमें ब्लेंड करना है। अगर आप ग्राइंडर में करते हैं इसे ब्लेंड तो काफ़ी जल्दी मिक्सिंग हो जाती है और बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग होती है, चीनी पीसी हुई रहने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए कितना परफेक्टली ये ब्लेंड हो गया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को आप चाहें तो डायरेक्टली बाउल में डालकर भी विस्कर से या हैंड ग्राइंडर से भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैं हमेशा जब भी इस तरह का केक बनाती हूँ तो मिक्सर ग्राइंडर में ही इसे मिक्स करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी जल्दी हो जाता है। अब हमें इस बाउल में डालना है मैदा। तो बाउल के ऊपर मैंने एक चलनी डाल दी है और 1 कप मैदा मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे हमें अच्छे तरीके से चाल लेना है। थोड़ा सा मैदा मैंने यहाँ पे छान लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा और यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे भी डाल के हम मैदा को अच्छी तरीके से और छान लेते हैं। तो मैदा को यहाँ पे मैंने छान लिया है और अब हम इसे स्पैचुला से या किसी स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करना है, कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसे मिक्स करना है। तो ये मैदा जो है, ये जो बैटर है केक का, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और हमें इसका जो कंसिस्टेंसी रखना है वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। थोड़ा सा दूध मैंने यहाँ पे और ऐड किया है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लोइंग रहे। तो देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं एक और बाउल ले रही हूँ। इस बाउल में डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून कोकोवा पाउडर, क्योंकि हम जेब्रा केक बना रहे हैं तो इसमें हमें कोकोवा चॉकलेट फ्लेवर भी चाहिए और वनीला फ्लेवर भी चाहिए। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाऊंगी और इसे मिक्स करते जाऊंगी। तो थोड़ा सा दूध मैंने ऐड किया है और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐड करके और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दूध यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही है तो इसमें बिल्कुल लंप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिक्सिंग हो जानी चाहिए। तो ये कोकोवा पाउडर का स्लरी भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हमें डालना है जो केक का घोल हमने बनाया था उसे। तो 2 भाग में हम इसे डिवाइड कर लेंगे, कुछ भाग वाइट वाला पोर्शन और कोई चॉकलेट वाला पोर्शन। तो अभी जो केक का बैटर था उसे कोकोवा स्लरी में हम डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये कोकोवा का भी बैटर रेडी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल फ्लोइंग है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल फ्लोइंग रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं मार्बल केक, जेब्रा केक, तो उसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत पतला ना करें, बिल्कुल खुद से फैल जाए, इस तरीके का ध्यान रखना है। तो दोनों बैटर रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे डालना है केक टिन में या जिस बर्तन में भी आप इसे बनाना चाहते। तो आज मैं इसे केक टिन में नहीं बना रही हूँ, घर के नॉर्मल से एक टिफ़िन स्टील वाले में बना रही हूँ।
इस टिफ़िन को मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया था। ऊपर से डाल रही हूँ बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा ऊपर से थोड़ा सा छिड़क सकते हैं इसमें। तो अभी मैंने बटर पेपर इसमें डाल दिया है और उसी ब्रश से थोड़ा सा और ग्रीस कर ले रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें फिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हमें बैटर डालना है, तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिए हैं। तो चॉकलेट फ्लेवर और वनीला फ्लेवर दोनों में एक एक स्पून हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमें 1 by 1 एक एक स्पून बैटर लेकर यहाँ पे डालते जाना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे वनीला फ्लेवर वाला 1 स्पून और फिर ऊपर से हम डालेंगे चॉकलेट फ्लेवर वाला 1 स्पून। तो शुरू में हम भर के एक एक स्पून इसमें डालते जाएंगे और इसे हमें टैप नहीं करना है, ये खुद ब खुद फैलते जाता है। तो 1 स्पून वनीला वाला और 1 स्पून चॉकलेट वाला ऐसे करके डालते जाना है। तो शुरुआत में मैंने एक एक भर के चम्मच डाला था इसमें और धीरे धीरे मैं इसे घटाते गई और अभी आधा चम्मच के करीब मैं दोनों डालते जा रही हूँ और धीरे धीरे इसे हमें और घटाते जाना है और 1/4 चम्मच के करीब अभी मैं इसे डालते जा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा जो बैटर था वो रेडी। अब थोड़ा सा बैटर बच गया है और ये जो दोनों बैटर थोड़ा थोड़ा बचा है इसी से मैंने बनाया था इडली केक, जिसे मैंने अपलोड किया था शॉर्ट्स में। अभी मैं एक टूथपिक ली हूँ और उससे बाहर से अंदर की ओर इस तरीके से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। अब टूथपिक जब भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो हम उसे साफ़ कर लेंगे और फिर अब अंदर से बाहर की ओर हम इसे डिज़ाइन करते जाएंगे। आपके ऊपर है आप किस तरीके से और कितना इसमें बारीक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंदर से बाहर की ओर और भी ऐसे करके डिज़ाइन बना ली है और देखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी उभर कर इसकी डिज़ाइन आई है आप देख सकते हैं। तो इसकी डिज़ाइन भी तैयार है और हमारा जो कढ़ाई है वो भी प्री हीट हो गया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे था। तो अभी हम इस बर्तन को रख देते हैं इस प्री हीटेड कढ़ाई में और इसे रख के अच्छी तरीके से हम लिड लगा देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। 40 से 45 मिनट के लिए इसे हमें लो फ्लेम पे बेक करना है और एक बार 35 मिनट के करीब आप चेक कर लें। चेक करने के लिए आप टूथपिक का यूज़ करें। टूथपिक को आप जब बीच में इंसर्ट करेंगे, डालेंगे तो वो और निकालेंगे तो वो पूरा क्लियर होगा अगर अच्छे तरीके से केक बेक हो गया होगा तो। मैंने यहाँ पे 40 मिनट्स में टूथपिक डालकर चेक किया था केक को और ये बिल्कुल ही रेडी था, पर वीडियो मेरा यहाँ पे मिस हो गया और मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ। केक को मैंने कम्प्लीटली ठंडा होने दिया, उसके बाद मैं उसे डीमोल्ड कर रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ। तो हल्का सा साइड से चाकू से इसे करके और मैं फिर हमें पलट देना है जिस बर्तन में भी हम बनाते हैं या केक टिन में डालते हैं और ऊपर से बस परफेक्टली केक हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुआ है और इसका जो बटर पेपर है उसे हम निकाल लेंगे। अब ना कहीं से फटा है ना कहीं से कुछ भी क्रैक हुआ है, बिल्कुल ही एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मार्बल केक हमारा रेडी हो गया है। और अब मैं इसके पीसेस कर दे रही हूँ और पीसेस करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो इस केक से मैं एक पेस्ट निकालती हूँ और ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक जिसे आप बिना खाए रह नहीं पाएंगे और बिना बनाए भी रह नहीं पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी, है ना आसान? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक और केक मैंने बनाया था साथ में तो उसके भी पीसेस मैंने इस तरह से काटे। तो मतलब अब जितनी बार भी बनाएंगे ये कभी भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली है, बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं उसे आपको फॉलो करने हैं और हर बार ऐसे ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक आपके बनेंगे। तो इस आसान रेसिपी को आप इंजॉय कीजिए बना के खुद घर पे। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिलती हूँ एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।